जय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्जांपल से सॉल्यूशन करना है। गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू एंड सेकेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स थ्री। तो हमें फाइंड आउट करना है x टू द पावर सेवन प्लस वाई टू द पावर सेवन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो गिवन इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स थ्री, ये दो इक्वेशंस में हम पहले इसको इक्वेशन वन नोट डाउन कर लेंगे, नाम को देंगे इसको सेकंड को, इसको सेकंड नाम देंगे। हमें पता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अगर हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर की एक सिंप्लीफाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी होते है। तो ये फॉर्म अगर यहाँ पर यूज किया तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई होता है। तो एक्स प्लस वाई तो गिवन है टू, तो टू स्क्वायर बनते हैं, दिस इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका वैल्यू भी हमें पता है थ्री है, और थ्री रख लीजिए प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू वाई एज इट। तो टू स्क्वायर मीन्स फोर, दिस इक्वल्स थ्री प्लस टू इंटू एक्स वाई एज इट। तो ये थ्री ए साइड में लाओ तो फोर माइनस थ्री बनता है ये, तो टू एक्स वाई एज इट। तो देयर फोर टू एक्स वाई इक्वल्स क्या बन रहे, फोर माइनस थ्री मीन्स वन। तो दोनों तरफ अगर टू से डिवाइड किया तो ये दोनों चली जाएगा, देयर फोर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू वन बाई टू। हमें मिला एक्स इंटू वाई इक्वल्स वन बाई टू। तो हम इसे एक तरफ नोट डाउन कर लेंगे, एक्स इंटू वाई इक्वल्स वन डिवाइडेड बाई टू। ओके नेक्स्ट, अभी हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स थ्री। फ्रॉम इक्वेशन टू से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स थ्री दिया है, इसे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तब ये क्या बनते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो अगर यहाँ अप्लाई किया तो x टू द पावर ऑफ फोर यहाँ पर आएगा, y टू द पावर ऑफ फोर यहाँ पर आएगा, टू टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा ये, दिस इक्वल्स थ्री स्क्वायर मीन्स नाइन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर रहा तो ए इंटू बी होल स्क्वायर बन सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या बनता है, x टू द पावर ऑफ फोर प्लस वाई टू द पावर ऑफ फोर प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर ये बन सकते हैं। आगे का नाइन आज। तो हमें पता है एक्स वाई का वैल्यू हमें वन बाई टू मालूम है, तो पुट कर दो इधर एक्स टू द पावर ऑफ फोर वाई टू द पावर ऑफ फोर प्लस टू टाइम्स वन बाई टू होल स्क्वायर इक्वल्स नाइन। एक्स टू द पावर ऑफ फोर प्लस वाई टू द पावर ऑफ फोर प्लस टू इंटू वन बाई टू होल स्क्वायर मीन्स वन डिवाइड बाई फोर इस इक्वल्स नाइन। इधर दोनों टू वन जार टू 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 जार यानी वन बाई टू रह गया। तो एक्स टू द पावर ऑफ फोर प्लस वाई टू द पावर ऑफ फोर इज इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई टू वो साइड मिलाओ तो नाइन माइनस वन बाई टू बनेगा ये। तो नाइन माइनस वन बाई टू मीन्स नाइन वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, नाइन टू जार एटीन माइनस वन वन जार वन डिवाइडेड बाई वन इंटू टू मीन्स टू, दिस इक्वल्स सेवनटीन डिवाइडेड बाई टू। देयरफॉर एक्स टू द पावर ऑफ फोर प्लस वाई टू द पावर ऑफ फोर इज इक्वल्स टू सेवनटीन डिवाइडेड बाई टू। हमें एक्स टू द पावर ऑफ फोर वाई टू द पावर ऑफ फोर भी एक वैल्यू मिला, तो हम यहाँ पर उसे भी हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके एक्स टू द पावर ऑफ फोर प्लस वाई टू द पावर ऑफ फोर इज इक्वल्स टू सेवनटीन डिवाइडेड बाई टू, इसे हम थर्ड इक्वेशन बोलेंगे। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री
इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी होल क्यूब तो ए क्यूब है प्लस बी क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह में एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस वाई को वैल्यू हमें पता है टू, तो टू क्यूब रख लेंगे इधर डायरेक्ट, दिस इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो हमें निकालना है, तो ये एज यूजुअल लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री टाइम्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का वैल्यू हमें पता है वन बाई टू लिखेंगे इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स टू, ये भी पता है, ये भी लिख लेगा। तो इसमें ये दोनों कट कर दो, वन बाई टू और टू ये दोनों चले गए, तो यहाँ पर टू क्यूब मीन्स एट बनता है, दिस इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री, इतना ही बचता है। तो ये थ्री ए साइड में लाओ तो एट माइनस थ्री बनता है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एट माइनस थ्री मीन्स फाइव इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देयरफॉर ये सीधा लिख लेंगे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू फाइव। ये इक्वेशन नंबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स फाइव, ये इक्वेशन नंबर फोर करेंगे इसे। इक्वेशन थ्री एंड फोर मल्टीप्लाई, इक्वेशन थ्री एंड फोर मल्टीप्लाई इक्वेशंस थ्री एंड फोर दोनों मल्टीप्लाई कर लो, तो थर्ड इक्वेशन क्या है x टू द पावर ऑफ फोर प्लस y टू द पावर ऑफ फोर इंटू x टू द पावर ऑफ थ्री प्लस y टू द पावर ऑफ थ्री, ओके दिस इक्वल्स क्या आता है x टू द पावर ऑफ फोर, x टू द पावर ऑफ फोर मीन्स y टू द पावर ऑफ सेवनटीन डिवाइडेड बाई टू इंटू x टू द पावर ऑफ थ्री प्लस y टू द पावर ऑफ थ्री मीन्स फाइव। तो यहाँ पर दोनों x टू द पावर फोर से एक बार इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, दूसरी बार इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, y टू द पावर से एक बार इसको एक बार इसको, तो बटरफ्लाई मेथड इधर यूज किया तो ये बनता है x टू द पावर ऑफ फोर इंटू x टू द पावर ऑफ थ्री प्लस ऑफ x टू द पावर ऑफ फोर इंटू y टू द पावर ऑफ थ्री, नेक्स्ट प्लस ऑफ x टू द पावर ऑफ थ्री इंटू y टू द पावर ऑफ फोर प्लस ऑफ 3 into y to the power of 4. This equals 17 divided by 2 into 5. ठीक है, तो यहां पर देखो x to the power of 4 into x to the power of 3 दोनों बेसिस सेम है, तो इक्वेशन ऐड कर दो, यानी e to the power of m into a to the power of n अगर रहा तो a to the power of m plus n बनते, तो अगर ये यूज किया इधर एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन तब ये बनता है x to the power of 7 बनता है प्लस यहाँ पर x टू द पावर ऑफ फोर इंटू वाई टू द पावर ऑफ थ्री एज यूजुअल रहने दो, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ थ्री प्लस y टू द पावर ऑफ फोर एज यूजुअल रहने दो, यहाँ पर y टू द पावर ऑफ फोर सेवन निकलेगा। ठीक है, जैसे x टू द पावर ऑफ सेवन बना है इसमें तो इसमें y टू द पावर ऑफ सेवन बनेगा, क्योंकि y टू द पावर ऑफ ये यहाँ पर लागू किया तो y टू द पावर ऑफ सेवन बनेगा, दिस इक्वल्स 17 इंटू फाइव तो 85 बनते डिवाइडेड बाई टू, x टू द पावर ऑफ सेवन प्लस वाई टू द पावर ऑफ सेवन प्लस ऑफ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर यू वाई क्यूब है, यहाँ पर भी वाई क्यूब एक्स क्यूब है, तो इसमें एक्स क्यूब है इसमें वाई क्यूब भी है इसमें, तो इसका मतलब एक्स टू द पावर ऑफ थ्री वाई टू द पावर ऑफ थ्री दोनों में कॉमन है, तो दोनों में एक्स टू द पावर ऑफ थ्री वाई टू द पावर ऑफ थ्री कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचता है ओनली एक्स, यहाँ पर बचता है ओनली प्लस वाई, समझ गए, इन दोनों में एक्स क्यूब वाई क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ पर ओनली एक्स बचते हैं प्लस ऑफ, यहाँ पर ये एक्स बाहर है, यहाँ पर एक्स बाहर है और वाई क्यूब एक्स क्यूब बाहर है वाई क्यूब भी बाहर है, लेकिन इधर बच रहा है ओनली एक्स प्लस ऑफ, यहाँ पर एक्स क्यूब बाहर है लेकिन वाई क्यूब भी बाहर है, इसमें वाई फोर में वाई क्यूब गए तो वन वाई, तो एक्स प्लस वाई कॉमन रहेगा, दिस इक्वल्स 85 डिवाइडेड बाई 12 ये तो एक्स, तो अभी वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू हमें पता है वो x टू द पावर ऑफ सेवन प्लस y टू द पावर ऑफ सेवन, इसका तो मालूम नहीं है तो, लेकिन ये क्या बनता है x इंटू वाई होल क्यूब बनता है इंटू x प्लस वाई मीन्स एज यूजुअल रख लो x प्लस वाई
दिस इक्वल्स 85 डिवाइडेड बाई 12। तो अभी एक्स वाई का वैल्यू हमें पता है 1 बाई 2 और एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता है इक्वेशन 1 से 2, तो वो पुट कर दो। तो एक्स टू द पावर ऑफ 7 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 7 प्लस एक्स वाई मीन्स 1 बाई 2 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स 2, दिस इक्वल्स 85 डिवाइडेड बाई 2 ए आज। तो हमें पता है 1 बाई 2 होल क्यूब, 1 बाई 2 होल क्यूब क्या होता है इसका वैल्यू, 1 बाई 2 होल क्यूब मीन 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, दिस इक्वल्स 1 क्यूब मीन्स 1, 2 क्यूब मीन्स 8, तो 1 डिवाइड बाई 2 होल क्यूब मीन्स 1 बाई 8। तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 7 प्लस y टू द पावर ऑफ 7 प्लस 1 बाई 2 होल क्यूब मीन्स 1 बाई 8 इंटू 2 एज यूजल, दिस इक्वल्स 85 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 जाएगा कट, 2 4 जाएगा यानी 1 बाई 4 ही बचेगा यहाँ पर। तो दिस इक्वल्स x टू द पावर ऑफ 7 प्लस y टू द पावर ऑफ 7 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू 85 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉजिटिव 1 बाई 4 है, राइट साइड में ले नेगेटिव 1 बाई 4 बनता है। दिस इक्वल्स x टू द पावर ऑफ 7 प्लस y टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 85 डिवाइडेड बाई 2, पॉजिटिव 1 बाई 4 है, यहाँ पर आने के बाद नेगेटिव 1 बाई 4 बनता है। तो यहाँ पर अभी सॉल्व कर दो 85 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पर अगर 85 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 4 अगर करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कर दो ये 1 बाई 4 है, तो यहाँ पर भी अगर 4 किया तो ये ईजी बनेगा। तो इसको 4 करने के लिए इसके साथ 2 से मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लीकेशन किया तो ये भी 2 होनेगा, तब इसको 2 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको भी 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी ये क्या बनता है 85 इंटू 2 मीन्स 170 बनता है डिवाइडेड बाई ये 2 2 4 4 बनता है, ये माइनस 1 बाई 4 कैंसिल हो गया, तो दोनों सेम हो गया। दिस इक्वल्स 170 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 बनता है, दिस इक्वल्स 169 डिवाइडेड बाई 4 यानी x टू द पावर ऑफ 7 प्लस y टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर आ गया यानी 169 डिवाइडेड बाई 4, ये है फाइनल आंसर। तो x टू द पावर ऑफ 7 प्लस y टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई 4। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।